हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीमास किचन। तो आज हम बनाएंगे एकदम चटपटा खट्टा मीठा आम का पापड़। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 700 ग्राम से करीब आम लिए हैं। मैंने फ्रेश एकदम पाक से तोड़े हुए आम का यूज किया है। तो आम को मैंने अच्छे से पहले धुल लिया था और थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया था जिससे कि इसका सारा पानी झड़ गया ऊपर से। अब हम इसे काट करके पहले छील लेंगे, तो जिसको ऊपर का नाका होता है वो हम काट देंगे और किसी भी मोटे छलने छिलने से इसे हम अच्छे से छील लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने इसे छील करके काट लिया है। बहुत ही आसानी से अभी बीच में से कट जा रहा है क्योंकि अभी इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं, मगर जब गुठलियाँ पड़ जाती हैं तो आप थोड़ा संभल करके काटिएगा। जो इसके बीच के खोआ होता है वो हम निकाल देंगे और इसे मोटे मोटे पीसेस में इस तरीके से रफली कट कर लेंगे। तो बस अब मेरे सारे आम कट चुके हैं, तो चलिए अब इसे बॉयल करते हैं। तो बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे। कुकर में हम अपने सारे आम को डाल देंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी बहुत ही, और घर की बनी हुई एकदम फ्रेश होती है तो और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। इसी के साथ हम इसमें एकदम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लगभग एक चौथाई कप के जितना। बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं पड़ता है वरना फिर इसको बहुत ज्यादा पकाना भी पड़ता है। तो बस अब हम इसके ऊपर लिड लगा करके इसे गैस पे रख देंगे और लगभग हम इसमें 3 से 4 सीटी आराम से दिला देंगे। फिर हम इस गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को अपने आप हम नॉर्मल होने देंगे। तो बस अब आप देख सकते हैं जो प्रेशर कुकर है वो काफ़ी अच्छे से नॉर्मल हो चुका है। जो उसकी सीटी थी वो सारी निकल गई है। जो हमारे आम थे वो बहुत ही अच्छे से एकदम परफेक्ट कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी एक्स्ट्रा नहीं है, बस इसमें पल्प ही पल्प है। तो बस अब बारी है इसको छानने की, तो चलिए इसे छान लेते हैं। उसके लिए एक हम बाउल ले लेंगे और उसके ऊपर हम कोई स्ट्रेनर या छन्नी लगा लेंगे। तो बस इस तरीके से उसमें हम थोड़ा थोड़ा पल्प डालते जाएंगे और इसे चम्मच या किसी भी चीज़ की, भारी चीज़ की मदद से अच्छे से रब करते जाएंगे, जिससे कि जो इसका ऊपर का गूदा है वो अलग हो जाएगा और जो पल्प हमें चाहिए अमावट बनाने के लिए वो सारा हमारे बाउल में आ जाएगा। तो इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए इसको आप छान लें अच्छे से। तो बस इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें पल्प निकलता जाएगा और जो उसमें जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है वो सारी अलग हो जाएगी। थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी का यूज़ कर सकते हैं इस स्टेज पर, क्योंकि जो छन्नी में पल्प लगा होता है वो बहुत ज़्यादा लगा होता है, तो हल्का सा पानी डालने से वो सारा निकल जाता है। तो मैंने कुकर में जो एक्स्ट्रा पल्प लगा हुआ था उसको मिला के हल्का सा पानी डाल करके इसको इस तरीके से छान लिया था। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पल्प है वो हम हटा देंगे और जो हमारे बाउल में पल्प है इसे हम यूज़ कर लेंगे। तो बस इसे हम एक कढ़ाई में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो बस गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए पल्प को अच्छे तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। लगभग मैंने 700 ग्राम से करीब जो है आम लिया था तो उसका बहुत ही थोड़ा सा पल्प निकलता है, उसी हिसाब से हम इसमें 3/4 कप जो है एक कटोरी चीनी डाल देंगे, मतलब 3/4 हिस्सा चीनी का डाल देंगे। अगर आपको हल्का ज़्यादा मीठा पसंद है, खट्टा थोड़ा कम पसंद है, तो आप इसमें एक कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उसका खटास जो है उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मगर मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद था, बहुत ज़्यादा मीठा फ्लेवर ऐसे नहीं पसंद है, तो मैंने बहुत हल्की चीनी का यूज़ किया है। 1/4 चम्मच के लगभग हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/4 चम्मच के लगभग हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे
लगभग एक चौथाई चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नमक इसमें नहीं अच्छा लगता है। इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग इसे हम 15 से 20 मिनट तक खड़ी देख के पका लेंगे, जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता, इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा सूख नहीं जाता। तो अब आप देख सकते हैं इसे पकाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और ये चम्मच पे एकदम अच्छे से स्टिक कर रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब हम इसे थाली में फैला लेंगे। तो बस एक थाली ले लेंगे जिसमें हम हल्का सा ऑयल या घी लगा के उसको इस तरीके से ग्रीस कर देंगे, इससे कि जब अमावट सूख जाएगा आम पापड़ा तो उसको उतारने में बहुत ही आसानी होती है। तो बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे और इसे हल्का मोटा हम फैलाएंगे, क्योंकि इसको 1 से 1.5 इंच करीब मोटा फैलाइएगा, क्योंकि सूखने के बाद बहुत ही पतला हो जाता है ये, इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर सूख जाता है तो ये बहुत पतला हो जाता है। तो बस किसी भी स्पैचुला या चम्मच की मदद से आप इसे अच्छे से इस तरीके से फैला लें और बहुत ही डिलीशियस लगता है। अगर आपको मेरी फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आती है और आप ट्राई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको रेसिपी कैसी लगती है, और कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता भी चलता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो बस इस तरीके से इसको थाली में फैलाने के बाद इसे हम धूप में रख देंगे लगभग 12 से 24 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। तो बस इसे मैंने पूरा एक दिन के लिए धूप में रखा था, उसके बाद मैंने इसे नॉर्मल पंखे के नीचे ऐसे ही छोड़ दिया था। कई बार होता है कि आप इसको डायरेक्ट धूप में रख देते हो ऐसे तो आंधी वगैरह चलती तो उसके ऊपर गड्ढा आ जाता है, तो आप उसके ऊपर कोई भी पतला सा कॉटन का कपड़ा लपेट करके उसको इस तरीके से रख सकते हो, जिससे कि उस पर बिल्कुल भी गड्ढा नहीं आएगा और बहुत ही बढ़िया आम पापड़ बन के तैयार होगा। चक्कू से आप इसका किनारा अच्छे से छुड़ा लें और फिर इसको आप आराम से हाथ से इस तरीके से उतार सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने आराम से उतर गया, बहुत ही इजीली और बहुत ही ज़्यादा जल्दी, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो बस अब बारी है इसको कट करने की, और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करा करिए, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस जैसा भी आप पीस में चाहें वैसा आप इसे कट कर सकते हैं, मैंने इसे नॉर्मली स्क्वायर पीसेस में कट किया है। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, मगर इसका स्वाद बहुत लाजवाब आता है, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आपको खट्टा खाना पसंद है और इस समय तो आम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, आपको टेस्ट बहुत पसंद आएगा। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरीके से नॉर्मली इसको रख दिया है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, आप इसे डब्बे में भर के सालों तक रख सकते हो, क्योंकि पकने के बाद ये सब चीज़ें बहुत सुखाने के बाद अच्छे से एकदम फ्रेश लगती हैं और बहुत ही अमेजिंग लगती हैं। ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।